शादियों और कैटरिंग में बनने वाला पालक पनीर कोफ्ता, आज उसी की मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप गाइस आपको पसंद आएगी। और आप देख सकते हैं ये पालक पनीर का कोफ्ता इतना ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस बनेगा कि आपको शादी और कैटरिंग का स्वाद घर बैठे ही मिलेगा। आप यकीन नहीं करते तो एक बार इसे डेफिनेटली अपने घर में ट्राई करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पालक पनीर कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी है। आई होप आपको ये शादी पार्टी की याद ना दिला दे तो फिर कहना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस आज जैसे कि मैंने बताया है, आज हम बनाएंगे नरम नरम ये पनीर कोफ्ता की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पर मैंने लिया है 150 से 200 ग्राम पनीर है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था बारीक बारीक। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं उबले हुए आलू, 3 से 4 मीडियम साइज के मैंने आलू को उबाल लिया था, उसको भी बढ़िया से कद्दूकस कर लिया है। दोनों चीजों को हम लोग बढ़िया से कद्दूकस करेंगे, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इसमें हम कुछ मसाले डालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने 1 चम्मच है धनिया पाउडर, थोड़ी सी यहाँ पर मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी है, 1 चम्मच है गरम मसाला, 1 चम्मच है यहाँ पर जीरा मसाला, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक है, हींग है। और इन सब चीज़ों को मैंने सीधा इसमें डाल दिया है अपने आलू और पनीर में। 3 टेबलस्पून हम लोग डालेंगे यहाँ पर अरारोट के डालेंगे, 3 से 3.5 टेबलस्पून। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, लेकिन पूरा हम नहीं डालेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून हम लोग बेसन डालेंगे। कम ज़्यादा होगा तो हम बाद में ऐड कर लेंगे बेसन को। थोड़ा सा 1/4 चम्मच हम लोग डालेंगे यहाँ पर मीठा सोडा, यानी जो खाने वाला सोडा होता है ना, बस वही डाला है। और बढ़िया से अब हम हाथों की सहायता से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और एक डो बना लेंगे। आप देखेंगे ये डो अगर आपके हाथ में चिपचिप करेगा तो आप थोड़ा सा बेसन इसमें और डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसमें पानी एक बूंद भी नहीं लगेगा। जी हाँ, क्योंकि आलू और पनीर का बनेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी एकदम सॉफ्ट सा डो हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये चिपचिपा रहा है थोड़ा सा, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं, 2-4 चम्मच। ये देखिए, जैसे कि मैंने थोड़ा सा बेसन बाद में इसमें थोड़ा सा और ऐड करा था, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ये हाथों में चिपचिपा रहा था। तो ये जब तक बढ़िया सा डो के फॉर्म में नहीं आ जाए, आप इसमें बेसन एडजस्ट कर सकते हैं, मोटा पतला जैसा आप बेसन लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको पतला बेसन लेना है मोटा बेसन लेना है, बस इस तरीके से आपका जब ये डो बंधने लग जाए ना इस तरीके से, तो बस इस स्टेज पर आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा हमको यहाँ पर ऑयल लेना है, जो भी आप ऑयल खाते हो, या फिर अगर आपके पास मूंगफली का तेल हो तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों पर और इस तरीके से डो के ऊपर भी 2-4 बूंद डाल देंगे और बढ़िया से इस तरीके का डो हमारा बन करके यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है इनको शेप देने की। आप चाहें तो यहाँ पर गोल गोल इस तरीके से नींबू के आकार में शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको सिलेंडर शेप भी दे सकते हैं, यानी कि लंबे आकार की भी शेप इसको दे सकते हैं। तो बस मैं इस तरीके से दोनों हाथों में बांधते हुए अपने लड्डुओं को यहाँ पर तैयार कर लूँगी पनीर कोफ्ता के। ये देखिए इस तरीके से गोल गोल, इस तरीके से यहाँ पर ये पनीर कोफ्ता के लड्डू हमारे हम लोग इस तरीके से गोल गोल घुमाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं सारे के सारे इस तरीके से बना करके तैयार कर लूँगी। चलिए चलते हैं सीधा इनको फ्राई करने के लिए। तेल मैंने पहले से ही गर्म होने रख दिया था साइड में कढ़ाई में, और तेल यहाँ पर हमारा परफेक्ट गर्म है। मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, ठीक है, और ये एकदम डालते ही ऊपर आ गया है। इतना तेल का टेम्परेचर हमको चाहिए, यानी कि ठीक ठाक गर्म होना चाहिए हमारा तेल, ठीक है। मैं एक एक करके यहाँ पर अपने सारे के सारे पनीर कोफ्ता के ये लड्डू डाल रही हूँ। एक एक करके आप केयरफुली से आराम से डालिए, और जैसे ही आप डालेंगे ना तो एकदम बढ़िया सा कलर आना चाहिए हमारे पनीर कोफ्ता में। जैसे ही बढ़िया सा कलर आ जाए, झाग थोड़े कम हो जाए, आप हल्के से इसको किसी भी चीज़ से चला सकते हैं, चम्मच या हल्की सी इस करछुली से। और जैसे ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा ना, फ्लेम को आप यहाँ पर लो टू मीडियम कर सकते हैं या फिर लो भी कर सकते हैं, ताकि कलर तो अब आ गया है अब इनमें,
अब इसमें क्या हो ना, अंदर से भी बढ़िया से कुक हो जाए 2 से 3 मिनट के लिए। मैंने बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर इनको कुक होने देंगे ताकि अंदर से भी बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे हमारे कोफ्ता में। और 2 से 3 मिनट बाद मैं इनको निकाल लूंगी। बढ़िया सा सुनहरा कलर आ चुका है हमारे कोफ्ता में, आप देख सकते हैं। एंड लुक एट दिस। चलिए अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूंगी। इसी तरीके से हम सारे अपने कोफ्ता बना करके यहाँ पर फ्राई करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अगर आप चाहते हैं तो आप पहले एक फ्राई करके देख सकते हैं कि बढ़िया सा तेल गरम हुआ है या नहीं हुआ है, फिर बाकी आप बाद में डाल सकते हैं। बाकी सारे जो भी आप फ्राई कर रहे हो आप एक साथ सारे ना डालिए, पहले आप तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए सिर्फ एक कोफ्ता अपना ट्राई कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ कितना कितना ज़्यादा सॉफ्ट और करारा हमारा ये पनीर कोफ्ता बना है। एंड लुक एट दिस, कितना क्रिस्पी है ना, ये देखिए। बहुत ही बढ़िया, एकदम पार्टी की याद दिलाने वाले आज पनीर कोफ्ते हमारे बन करके तैयार होंगे। बाहर से एकदम करारे, अंदर से मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट। चलिए चलते हैं सीधा आप ग्रेवी बनाने के लिए। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, आप पतीला कढ़ाई जो मर्जी ले सकते हैं। चलिए इसमें मैं वही गरम गरम थोड़ा तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में से ही। करीब 3 से 4 बड़े चम्मच हम लोग तेल डालेंगे। कुछ खड़े मसाले डाल दिए मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए जैसे ये खड़े मसाले हमारे तड़क जाएंगे इसमें हम डालेंगे 2 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, और 3 से 4 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च पीस के रखी हैं। हरी मिर्च हम लोग अभी नहीं डालेंगे, इसको हम डालेंगे बाद में, क्योंकि हरी मिर्च डालते ही थोड़ी धसक सी हो जाती है, तो हम लोग तेल में अभी हरी मिर्च नहीं डालेंगे। जैसे ही अदरक हमारी 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह ब्राउन हो जाएगी ना, भुन जाएगी बढ़िया से तेल में, कच्चापन सारा निकल जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कद्दूकस किए हुए प्याज। जी हाँ, प्याज आप कद्दूकस ही कीजिए, ऐसा ना हो कि आप बारीक बारीक काट लीजिए, लेकिन आपके टेस्ट के ऊपर। अगर आप बारीक बारीक करना चाहते हैं प्याज कद्दूकस ना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें डालूंगी मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्ची का, जिससे कि बढ़िया से चटपटापन आए हमारी सब्जी में और ग्रेवी में। चलिए प्याज और हरी मिर्चों को बढ़िया से मैंने भून लिया है, बढ़िया से ब्राउन हो गए हैं। थोड़ी सी हींग डाली है मैंने इसमें, और इसमें मैं डालूंगी 3 उबले हुए टमाटर की प्यूरी। जी हाँ, 3 टमाटर को बढ़िया से उबाल लीजिए, उनका छिलका हटा लीजिए और बढ़िया से मिक्सी के जार में पीस लीजिए अपने टमाटरों को। जैसे ही टमाटर हमारे हल्के से फ्राई हो जाएंगे, मतलब कि तेल सेपरेट होने लग जाएगा, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस और 1 चम्मच डालेंगे रेड केचप, यानी जो टमाटो केचप होता है ना, बस वही है। दोनों सॉसेस जाएंगी, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। मीठी मीठी नहीं होगी सब्जी, इस बात की गारंटी है। सोच रहे होंगे हमने केचप डाल दिया तो मीठी मीठी ना हो, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। बस दोनों ही सॉसेस डालिए और बढ़िया से अपने टमाटर के साथ फ्राई कर लीजिए। जैसे ही फ्राई हो जाएगी ना, आप देख सकते हैं तेल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है यहाँ पर। बढ़िया से बस आपको क्या करना है ना, मसालों को बढ़िया से लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ अपने सॉसेस को फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे ना, इसमें हम डालने वाले हैं यहाँ पर 2 चम्मच किचन किंग, 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर हम सौंफ पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ी सी यहाँ पर डालेंगे हम लोग यहाँ पर हल्दी, जी हाँ, और आधा छोटा चम्मच डालेंगे हम लोग यहाँ पर गरम मसाला, 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर जीरा पाउडर, और स्वाद के अनुसार हम लोग डालेंगे नमक। चलिए सारे मसाले हम लोगों ने डाल दिए हैं, मसालों को सिर्फ 20 सेकंड के लिए हम लोग फ्राई करेंगे यहाँ पर, और थोड़ा सा उबला हुआ पानी लेंगे, बॉयल पानी, और उसके साथ हमने मसालों को फ्राई कर लेना है, क्योंकि पानी के साथ मसाले क्या होते हैं ना, फूलते हैं थोड़े से। तो बस थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है और बढ़िया से अपने मसालों को फ्राई करा है 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही तेल हमारा सेपरेट हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे वो खरबूजे के बीज होते हैं ना, और थोड़े से मैंने यहाँ पर काजू, दोनों का बढ़िया से पेस्ट बना दिया था। 10 मिनट के लिए मैंने इनको गर्म पानी में भिगा दिया था और बढ़िया से मिक्सी के जार में पीस लिया था, तो बस वही मैंने इसमें डाला है। बढ़िया से इनको भी हम लोग यहाँ पर भून लेंगे अपने मसालों के साथ। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा हमारी ग्रेवी का, इससे थिकनेस भी बहुत बढ़िया मिलेगी हमारी ग्रेवी से, खरबूजे के बीज से और काजू से। चलिए थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली है मैंने यहाँ पर, और अब मैंने डालूंगी यहाँ पर 1 बंच
पालक का ले लिया था, बढ़िया से धो करके यहाँ पर उबाल करके मिक्सी की जार में बढ़िया से पीस लिया है मैंने। और हाँ, ठंडा करके ही आप पालक को पीसे, गरम गरम मिक्सी के जार में नहीं पीसना है आपको, नहीं तो परेशानी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। चलिए, सारे के सारे पालक की प्यूरी को अब हम इस मसाले में मिक्स करेंगे बढ़िया से। एंड लुक एट दिस, कितनी बढ़िया से ये ग्रेवी हमारी बन करके तैयार होगी। थोड़ा सा ना ये पानी इस तरीके से जिसमें पालक हमने रखा था ना, उसी से आप बस थोड़ा सा पानी लीजिए, गर्म पानी लीजिए, अपनी ग्रेवी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं आप। जितना ग्रेवी आपको थिक रखनी है थिक रख सकते हैं, थिन रखनी हो थिन रख सकते हैं, टोटल आपके टेस्ट के ऊपर है। मैं थोड़ा सा पानी इसमें और लगाऊंगी और अपनी ग्रेवी को एडजस्ट करते हुए यहाँ पर हम लोग अपनी ग्रेवी को पकाने के लिए छोड़ देंगे। मिक्स करके मैं इसको यहाँ पर रख दूंगी ढक कर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हुई है नहीं हुई है। आइए चेक कर लेते हैं। तेल हमारा सेपरेट हो गया है बढ़िया से और ग्रेवी भी बढ़िया से हमारी एकदम परफेक्ट हो गई है। आप इसमें कोफ्ता डालने से पहले ही ग्रेवी को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। लास्ट में मैंने यहाँ पर निचोड़ा है आधा नींबू, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अगर आप नींबू अच्छा लगता है तो पूरा एक भी ले सकते हैं, लेकिन आधे नींबू में काम हमारा हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आपने सब्जी कितनी बनाई है। चलिए, बढ़िया से मिक्स कर देंगे हम नींबू डालते ही अपनी ग्रेवी को। ग्रेवी हमारे यहाँ पर बढ़िया से तैयार हो चुकी है, प्रॉपर एकदम तैयार है, बिल्कुल भी अब देर नहीं करनी चाहिए कोफ्ता को डालने के लिए। कोफ्ते हम लोग डालते ही इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 20 से 30 सेकेंड ही हम लोग यहाँ पर गैस को ऑन रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। कोफ्ता डालने के बाद आप ज़्यादा देर इनको उबाल नहीं सकते, या फिर गर्मा गर्म अगर आप गैस पे छोड़ देंगे तो आप ये घुल भी सकते हैं। तो जब भी आप सर्व करें तब भी कोफ्ता आपने इन करी में डालिए। चलिए, चलते हैं सीधा सर्व करने के लिए। तो गर्मा गर्म हम लोग यहाँ पर पालक पनीर पालक कोफ्ता को सर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है और कोफ्ता तो ऐसे लग रहे हैं मानो कि अभी बस उठाओ और खा लीजिए। तो बस लास्ट में मैंने घिसा हुआ पनीर थोड़ा सा बचा लिया था, वो ही यहाँ पर मैंने सजा दिया है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, ये लग रहा है ना कितना बढ़िया। तो बस मैं आपको चेक भी कराती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, ओ माय गॉड। तो अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं वो भी सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।